आज हम आपको बताएंगे कि सेक्टर 23 की पुलिस ने कौन सा केस सॉल्व किया, विजय गोयल द्वारका में कहां आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, और झाकर से मंदिर के बारे में आपको बताएंगे। 10 सेकंड के ब्रेक के बाद सबसे पहले बताते हैं आपको कि ज्ञान सागर जी महाराज क्यों पधारे 5 साल बाद द्वारका में। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। आज द्वारका में 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ज्ञान सागर जी महाराज पधारे और उनके आने का उद्देश्य था भव्य जिनालय का शिलान्यास, जो कि 15 तारीख को है और सुबह 7 बजे से शुरू होगा सेक्टर 12 द्वारका में। महाराज जी का आगमन बहुत ही हर्षोल्लास से किया गया, आप देख सकते हैं। और जो भी इस शिलान्यास के कार्यक्रम में आना चाहते हैं वो सुबह 7 बजे से सेक्टर 12 में आ सकते हैं। सेक्टर 9 द्वारका में सेंटर फॉर साइट आई इंस्टीट्यूट ने द्वारका फोरम के साथ एक टॉक शो ऑर्गेनाइज किया गया। टॉक शो में ग्लूकोमा अ साइलेंट थीव फॉर साइट पर डॉक्टर तुलिका चौहान ने आकर इस विषय पर वहां सभी उपस्थित लोगों से चर्चा करी। द्वारका के काफी लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया और ग्लूकोमा पर बातचीत करी। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। द्वारका सेक्टर 23 पुलिस स्टेशन की टीम ने अभी एक ब्लाइंड केस सॉल्व किया, जिसमें कि एक व्यक्ति से उनकी होंडा सिटी कार और 29,000 रुपए की लूट की गई। इसकी सूचना जैसे ही ASI महेश त्यागी को मिली, उन्होंने इसको पास ऑन किया अपने सीनियर ऑफिसर्स को, और ACP द्वारका राजेंद्र सिंह के सुपरविजन में एक टीम बनाई गई, जिसमें इंस्पेक्टर संतन सिंह जो कि SHO द्वारका है सेक्टर 23 के, इंस्पेक्टर R श्रीनिवासन, SI विजयपाल, विवेक मंडोला, ASI रंधावा, महेश त्यागी और हेड कांस्टेबल सुभाष, जयप्रकाश, कांस्टेबल भरत, राजेंद्र ने इन क्रिमिनल्स को 24 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया। सांसद विजय गोयल 16 तारीख को द्वारका आ रहे हैं एक कार्यक्रम के लिए, जो कि कराया जा रहा है फेडरेशन ऑफ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज एंड एसोसिएशंस और RWS द्वारा, और ये डिस्कशन रहेगा दिल्ली के विजन को लेकर, और उसके साथ साथ जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के इशू हैं वो भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के ऑडिटोरियम में। और इस कार्यक्रम में द्वारका की काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें फेडरेशन ऑफ CGHS लिमिटेड, कन्फेडरेशन ऑफ द्वारका सब सिटी, ANHLGT, द्वारका क्लब ऑफ RWA, हर खबर न्यूज, द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब, दीप ज्योति NGO और एजवेल एसोसिएशन। झाकर से मंदिर अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर जागेश्वर धाम से कुछ दूर चलने के बाद अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर है, और यह भनौली तहसील में गरुड़ा बांच नामक स्थान के करीब है। घने देवदार और प्राकृतिक जंगल के बीच में यह मंदिर स्थित है। झाकर सेम को शिव भगवान का अवतार माना जाता है। इस मंदिर की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ का एक आकर्षण का केंद्र है एक नौला, जो कि पुराने जमाने से है, और ऐसा कहा जाता है कि इस नौले के पानी से भगवान को स्नान कराया जाता था। नौला एक तरह का पानी को रिचार्ज करने का सिस्टम होता था, जो कि सदियों से चला आ रहा है। हालांकि अब बहुत जगह ये नौले सूख गए हैं, लेकिन ये नौले वाटर बॉडीज कहीं ना कहीं हमें ये बताती हैं कि जो पुराना तरीका था पानी को रिचार्ज करने का, अगर उसको दोबारा से हम स्थापित कर लें, ठीक कर लें, तो आने वाले समय में हम शायद पानी की समस्या से निजात पा सकें। इस तरह की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट www.radiodwarka.com पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।